काल से ही सभी स्थानों का निरीक्षण साइकिल के द्वारा किया जा रहा है। इससे एक तो मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही है, काम भी हो रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें बसों के द्वारा या अन्य माध्यम से जो आ जा रहे हैं उनका यहाँ स्कैनिंग की जा रही है, उनको भोजन दिया जा रहा है और उसके बाद उनके जनपदों को रवाना किया जा रहा है। सर रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन आ रही है, उनके लिए भी रोडवेज की व्यवस्था की गई है। साथ ही लॉकडाउन का पालन होता रहे इसके लिए भी सभी ड्यूटी चेक की जाती है। सर ये पूरे शहर में इसमें जो लोग आ रहे हैं मजदूर वगैरह, इनका किस तरीके से मतलब भेजा जा रहा है, क्या इनकी स्कैनिंग वगैरह भी आप लोग? जो भी मजदूर यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, मेडिकल टीम उनका परीक्षण कर रही है कि उनको कोई कोरोना के सिम्टम तो नहीं है, उनकी जो हिस्ट्री है ट्रैवल हिस्ट्री वो भी पता की जा रही है। उसके बाद श्रम विभाग के द्वारा उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है कि किस तरह का कार्य वो करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। साथ ही वो किस जनपद में जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी का, यहाँ से उनको भोजन दिया जा रहा है और उसके बाद उनके गंतव्य स्थलों तक उनको पहुँचाने के लिए बस अलॉट की जा रही है, यहाँ से रोडवेज बस के द्वारा उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जा रहा है। सर आज आप प्रयागराज शहर में सर सिटी में साइकिल चलाकर आप निरीक्षण कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है सर? नगर क्षेत्र में क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं, इजीली साइकिल से घूम लेते हैं और ये सस्ता साधन है और साथ ही इससे सेहत भी अच्छी रहती है और हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके साथ ज़्यादा समय हम इस तरह से बिता पाते हैं, उनका मनोबल बना रहे और साथ ही सभी पुलिसकर्मी इस स्ट्रेसफुल माहौल में अपने आप को सेहतमंद रखें, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू।